अटूट आस्था और श्रद्धा की एक बहुत बड़ी मिसाल तेलंगाना के एक मुस्लिम बांधव ने समाज के सामने रखी, जहां वे पैदल हज यात्रा के लिए निकले। भद्रावती में पहुंचने पर किस प्रकार उनका स्वागत किया गया, देखते हैं जावेद शेख की इस खबर में। सीटीवी के हमारे प्रतिनिधि जावेद शेख ने हमें जानकारी दी है कि तेलंगाना से पैदल हज यात्रा पर निकले अब्दुल आबिद भाई का भद्रावती में शानदार स्वागत किया गया। गौरतलब है, इस्लाम में हज यात्रा का काफी बड़ा महत्व है। पवित्र मक्का और मदीना शहर में जाने वाले हज यात्री को हाजी कहा जाता है। भारत देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में इस्लामी अनुयायी बड़ी मात्रा में हज यात्रा के लिए रवाना होते हैं। मक्का और मदीना शहर सऊदी अरब में स्थित होने से वहाँ पर पहुँचने के लिए हज यात्री को विमान या पानी के जहाज का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग अपनी अटूट आस्था के चलते पैदल ही निकल जाते हैं। ऐसे ही तेलंगाना राज्य के इलंदूर भद्राचलम से 12 अगस्त को हज के लिए पैदल ही निकल पड़े अब्दुल आबिद का भद्रावती में आगमन होते ही मुस्लिम समाज द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ शाल और पुष्प माला से इस्तकबाल किया गया। दोपहर 1 बजे के दरमियान बाड़ा साहब प्रवेश द्वार के पास जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज द्वारा उनके साथ चलकर जामा मस्जिद में उन्हें लाया गया और मस्जिद में जौहर की नमाज अदा की गई। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल गफ्फार अंसारी, जामा मस्जिद हाजी बबन सेठ, हाजी जावेद शेख, जफर अहमद, हाजी फहीम शेख, शाहिद कुरैसी, हाजी शहीद अली मुनाज शेख, हाजी जाकिर शेख, वसीम भाई, जावेद शेख, सीटीवी प्रतिनिधि मुनीश शेख आदि ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें जामा मस्जिद में रुकवा कर गुरुवार सुबह फजर नमाज के बाद हज के सफर के लिए आगे रवाना किया गया। बता दें कि आबिद भाई प्रतिदिन तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। वहीं इस मौके पर सीटीवी प्रतिनिधि जावेद शेख ने भी उनसे मुलाकात की। सीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? कहाँ से निकले आप? भद्रावती डिस्ट्रिक्ट से, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट जी। क्या वजह है आप इतने दूर से पैदल चल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी गए 2 साल के पहले भी शिया भाई जा चुके हैं, तो आपके आपको ऐसा कैसा लगा कि मतलब आपको पैदल ही जाना है? तो ये चलना खुद पसंद रहता था, ये चलने में कुरान 12 ट्रांसलेशन सुन रहा था, उसमें 17:12:28 आया था। ऐसी एक बात है, पैदल चलो और दूसरे बच्चों को बयान के कुरान में लिखा है, उसमें वो सुन के जब भी इरादा करो उसी लिए इरादा करा पैदल हज करने के लिए। और 3 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही है, 3 साल से प्रैक्टिस चलते ही आज 12 अगस्त 12 तारीख को वहाँ से मंदिर से निकला। कल चंद्रापुर में था और आज चंद्रापुर से भद्रावती को आया। अच्छे से अच्छा इस्तकबाल, भद्रावती वाले अच्छे से अच्छा इस्तकबाल करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने किलोमीटर का पैदल सफर है? पूरा 8,400 किलोमीटर से। कितने महीने लगेंगे उसमें? अच्छा था, 10 महीने में टारगेट कंप्लीट करने का। अच्छा, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को क्या, बस दुनिया के पीछे नहीं भागे, सर्व दिन के पीछे भागो। दिन के पीछे भागने से सब अच्छा होता, दुनिया में कुछ नहीं, दुनिया तो फानी है। देश के लिए अमन शांति के लिए कैसे दुआ करेंगे? इंशाल्लाह वहाँ पहुँचे बाद देश के लिए शांति अमन के लिए इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। आप भी हमारे लिए दुआ करिए, हमारा सफ़र आसान होने के लिए दुआ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई, सीटी में मुलाकात देने के लिए। भद्रावती से जावेद शेख की रिपोर्ट।